उधर यूक्रेन और रूस के बीच हमले शुरू हो गए हैं। यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में विद्रोहियों ने एक घर को निशाना बनाया और गोलीबारी की। युद्ध ने कब किसके लिए कुछ अच्छा किया है? जब भी किया है बर्बादी ही की है, जब भी हुआ है तबाह ही किया है। अभी जंग तो नहीं हुई है लेकिन सेलिंग तो हो रही है, मतलब जंग वाली फिल्म का ट्रेलर तो रिलीज हो रहा है। ये यूक्रेन के डोनेस्क इलाके की तस्वीरें हैं। तनाव के बीच पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों ने एक घर पर गोलीबारी कर दी। ये सभी रूस समर्थित विद्रोही हैं जो यूक्रेन में अस्थिरता फैलाते हैं और वो इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि पूर्वी यूक्रेन से हजारों लोगों को निकाला गया था। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में दो नागरिक भी मारे गए हैं। दरअसल यूक्रेन की सेना 2014 से रूस समर्थक विद्रोहियों से लड़ रही है और इस युद्ध में करीब 14,000 लोग मारे भी जा चुके हैं। 2015 के युद्ध विराम समझौते का भी उल्लंघन लगातार हो रहा है। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस की चाल है, वो यूक्रेन को अंदर ही अंदर खोखला करना चाहता है, वहाँ हमले भी कर रहा है और पूर्वी यूक्रेन से लोगों को निकाल भी रहा है, बातचीत के लिए तैयार भी है और बेलारूस के साथ मिलकर परमाणु अभ्यास भी कर रहा है। ब्लैक सी में रूस की सेना भी अभ्यास कर रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।